कार्यकर्ता भी बंद होनी चाहिए, ये वो है। और तो मीडिया प्रभारी नरेश सूर्य के साथ करना चाहिए। और मांग तो लगातार सतत जब तक सरकार के पास नहीं जाती है तो सरकार भी सुनती नहीं है, इसलिए सरकार को सुनाने के लिए धरने प्रदर्शन अति आवश्यक है। मेरा पूरा सहयोग इस धरने और प्रदर्शन में है और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारी मांगे हैं वो अतिशीघ्र पूरी करें। मांगे हमारी मांगे दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान, घर से देखता घर से देखता, हम सब एक पेना इस हड़ताल के बारे में बोलना ये हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जो सरकार से अनुरोध है ये हमारी पूर्ण की जाए, और अगर ये पूर्ण हो जाएगी तो हम हड़ताल समाप्त कर देंगे। मैं मारना बोबा चिकित्सालय से, और ये अभी जो कॉन्टैक्ट नर्स के जो स्टाफ लिए गए हैं उनको जल्द से जल्द सविधा पे लिया जाए, उनका वेतन जो है सबके समान किया जाए, और मैं इस जो स्ट्राइक है उसका समर्थन करती हूँ। मैं विष्णु कुमार सांडिल माफीदार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा नर्सेज यूनियन, जो प्रांतीय 11 सूत्री मांगों के लिए जो स्ट्राइक चल रही है हमारी, सबसे हमारी पहली मांग है ये ठेका पड़ता बंद होनी चाहिए, जो कि कर्मिक 7000 रुपये लगे हुए हैं, इनसे इनका पत्ता गुजारा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी मांग जो DPC चल रही है उसमें जिस तरीके से जो आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी पहले मिलनी चाहिए, और ये दो मांगे किसी भी तरह से राज्य सरकार को हमारी पूरी करनी चाहिए। हमारी सरकार से यही मांगे कि जल्दी से जल्दी हमारी DPC बैठाई जाए, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से हम DPC नहीं बैठी है, इसीलिए सरकार से ही हमारी गुजारिश है कि हमारी ये मांगे पूरी करें, और हमारे भी जैसे विसंगति है उनको भी सही करें। आप बैनर है ना आपको ये भी बैनर दीदी को बैनर तो कह रहा है, तब इधर कोने में क्यों खड़े रह रहे हो, इधर लो ना बैनर भी आना चाहिए, थोड़ा सा गैप कर लो ताकि लाल जी अपने पीछे बैठ जाते। आप बोलो। मैं विक्रमपाल सिंह नर्सिंग ऑफिसर, मैं राजस्थान संघर्ष समिति ओर से मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, और सविदा बेस और यूटी बेस खत्म की जाए। बस धन्यवाद। मैं शकीला अंसारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। अभी हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर स्ट्राइक चल रही है, तो इस स्ट्राइक के दौरान मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, और अपील ही नहीं पूरी आशा करती हूँ कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं उसमें थोड़ी वेतन की विसंगति है उसको भी दूर की जाए, और केंद्र के समान हमको भत्ता मिले, और भी बहुत सारी मांगे हैं उनको पूरी करे सरकार से यही आशा। रमेश चंद्र मीणा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रांत के आह्वान पर 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज हमारा 5वें दिन आंदोलन है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग संविदा पे लगे हुए जो हमारे कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाए, एवं प्लेसमेंट एजेंसी अथवा ठेका प्रथा के तहत जो भी हमारे कर्मचारी जो लिए जा रहे हैं नर्सिंग के उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। दूसरी मांग हमारी प्रमुख मांग में नर्सिंग अधीक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है विगत लंबे समय से, इन्हें
कर लाभान्वित किया जाए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग हमारी वेतन विसंगति है, जो यूपी बिहार एमपी से राजस्थान के कर्मचारी 15 से लेकर कम से कम 25-30 हज़ार रुपये प्रति माह कम वेतन ले रहे हैं, इस मांग को भी हमारी पूरी की जाए। धन्यवाद। जय नर्स। मैं हेमंत कुमार आमेटा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। अभी पूरे राजस्थान में राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के माध्यम से हम हमारे नर्सेज की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर आंदोलनरत हैं, और उसमें जो हमारे मांग पत्र हैं उसमें हमारी कई सारी मांगे हैं, जैसे कि हमारी लंबे समय से हमारी DPC मतलब लंबित हैं, तो हमारे कई साथी बिना प्रमोशन लिए ही रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो ये हमारी बहुत ही प्रमुख मांगों में से एक है। और दूसरा, हमारा बहुत बड़ा केडर है राजस्थान में, लगभग 30 से 40 हज़ार नर्सेज यहाँ पर कार्यरत है राजस्थान स्टेट के अंदर, लेकिन कोई अलग से निदेशालय नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा अलग से निदेशालय हो और उनके जो भी अफसर जो लगते हैं उनके ऊपर जॉइंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे नर्सिंग संवर्ग से ही हो, ताकि हमारे प्रमोशन के चैनल बढ़ सके। दूसरा, हमारे कुछ साथी यहाँ पर संविदा पर कार्यरत हैं और संविदा में जो उनको सैलरी दी जाती है, जबकि वो BSc और MSc डिग्रीधारी हैं हमारे नर्सिंग क्षेत्र में, उसके बावजूद उनका जो वेतन है वो इतना कम है कि जो यहाँ पर जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनसे भी कम वेतन उनको मिलता है। तो हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि इससे उन लोगों की जो कार्यकुशलता है उस पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको जो हमारा जो एक नर्स राजस्थान सरकार की नौकरी में लगता है और उसकी जो ग्रेड पे होती है उसकी जो उसको मिनिमम वेतन मिलता है उतनी उसका वेतनमान होना चाहिए, वो अभी राजस्थान में जैसा कि 26,500 है, तो हम चाहते हैं कि वो वेतन उन्हें मिले और उनको स्थायी भी किया जाए। ये सारी मांगे हैं, तो अगर और जो हमारा आंदोलन है उसको हम पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से हम यहाँ संचालित कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, ताकि मतलब रोगियों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। तो अगर हम अगर इतना सोच सकते हैं राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के लिए, तो हमें उम्मीद है कि राजस्थान की सरकार हमारे लिए भी ज़रूर सोचेगी और बगैर किसी उग्र आंदोलन के हमारी मांगें पूरी करेगी।